अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने ये वेनिस के बारे में रीडिंग पढ़ी थी, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, ये तीन टेक्स्ट हैं और आज हम पहले टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई इज़ अ सिटी ऑफ वाटर, क्यों सिटी ऑफ वाटर जो है एन अप्रोप्रिएट नेम फॉर वेनिस, वेनिस के लिए एक मुनासिब नाम है। ठीक है, अब पहले तो हम इधर से करेंगे इसका आंसर, यहाँ से, ये नज़र आ रहा है ना आपको, बिकॉज वेनिस इज़ अ सिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वेनिस जो है सिटी ऑफ वाटर है, बिल्ट ऑन जिसको तामीर किया गया है 118 स्मॉल आइलैंड, 118 छोटे जजीरों से, सेपरेट बाय कनाल्स और फिर इनको कनाल्स के ज़रिए अलग किया गया है, एंड जॉइन बाय ब्रिजेस और पुल के ज़रिए फिर इनको जोड़ा गया है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सिटी ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें 118 स्मॉल आइलैंड है। ठीक है, और इसमें फ्लड्स भी बहुत आते हैं, इसीलिए इसको सिटी ऑफ वाटर कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई आर गैंडोलियर्स एसेंशियल टू वेनिशियंस, वेनिशियंस का मतलब होता है वेनिस के रहने वालों के लिए। ठीक है, अब उन्होंने कहा है जो गैंडोलियर्स हैं वो अहम क्यों हैं वेनिशियंस के लिए, तो इसका बेटा आप आंसर यहाँ से करोगे, बिकॉज दे पैडल द गैंडोलस, क्योंकि वो गैंडोलस कश्तियाँ जो हैं उनका पैडल घुमाते हैं, अक्रॉस द क्राउडेड वाटर वेज, बहुत ज़्यादा पानी के पार। ठीक है, या बहुत ज़्यादा पानी से। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, एक्सप्लेन सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करें फेस बाय द सिटी अथॉरिटीज़, जो कि सिटी अथॉरिटीज़ को फेस करनी पड़ती हैं इन वेनिस, वेनिस में। ठीक है, तो इसका ये आंसर है, द सिटी अथॉरिटीज़ लिमिट द नंबर ऑफ टूरिस्ट, वो टूरिस्ट की तादाद को लिमिट करती हैं, एंड नाउ द सिटी अथॉरिटीज़, और अब सिटी अथॉरिटीज़ जो हैं आर ट्राइंग, कोशिश कर रही हैं टू फाइंड वेज, कि वो तरीके फाइंड करें ऑफ प्रोटेक्टिंग द सिटी, जो कि सिटी की प्रोटेक्ट करें या सिटी की हिफाजत करें फ्राम सीरियस फ्लड्स से। ठीक है, ये आंसर है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं, इफ़ यू विज़िट वेनिस, अगर आपने वेनिस का विज़िट किया है, व्हाट वुड यू लाइक टू सी मोस्ट, तो आप क्या सबसे ज़्यादा देखना पसंद करोगे, इफ़ यू विज़िट वेनिस, अगर आप वेनिस का विज़िट करो तो आप वहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा देखना पसंद करोगे, तो इसका आंसर पहले आप ये यहाँ से करोगे, इफ़ आई विज़िट, अगर मैं विज़िट करूँ वेनिस का, व्हाट को काट दोगे, आई लिखोगे, आई वुड, यू को भी काट दोगे, आई वुड लाइक टू सी मोस्ट, मैं सबसे ज़्यादा देखूँगा क्या चीज़, डॉज पैलेस। ठीक है, तो मैं डॉज पैलेस को देखूँगा, एंड एट व्हाट टाइम ऑफ ईयर वुड यू चूज टू गो, और साल के किस टाइम आप जाना पसंद करोगे, गिव योर रीजंस, और आपने इसकी रीजंस भी देनी है। तो आप ये वैसे आप अपने पास से भी इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ये मैं वैसे फ़र्ज़ कर रही हूँ ये आंसर। ठीक है, आप ये अगर करना चाहें तो आप लिखोगे, आई शैल लाइक टू गो, मैं जाना पसंद करूँगा इन द जून में, बिकॉज, क्योंकि इन जून एंड जुलाई, क्योंकि जून और जुलाई में, बिकॉज इन जून एंड जुलाई मंथ, क्योंकि जून और जुलाई के महीनों में देयर आर समर हॉलीडेज़, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, इसीलिए हम जो है जून में जाना पसंद करेंगे। ठीक है, ये अब क्वेश्चन आंसर अच्छे से आपने लर्न करने 4 हैं।